जिला बिलासपुर में कोविड-19 कोरोना वायरस का एक संदिग्ध मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार संबंधित युवक घुमारमी क्षेत्र के तहत आने वाले एक गांव का बताया जा रहा है। संबंधित युवक लंदन से वापस आया है। जानकारी के अनुसार संबंधित युवक क्वारंटाइन के तहत घर में था। बताया जा रहा है कि संबंधित युवक को बुखार की शिकायत हुई, जिस पर स्वास्थ्य विभाग ने उसे क्षेत्रीय अस्पताल में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर दिया गया है और उसका सैंपल लेकर टेस्ट के लिए IGMC भेज दिया है। बिलासपुर जिला में अब तक कोरोना वायरस के 4 संदिग्ध मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 3 की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है तथा 1 की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। जिला स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक जिला में अब तक 100 लोग विदेशों से आए हैं, जिनमें से 4 का विभाग ने सैंपल लेकर टेस्ट के लिए भेजा है, जिनमें से 3 की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है जबकि 1 की अभी आना बाकी है। विभाग ने इन सभी को क्वारंटाइन में रखा था, जिनमें से 14 लोग क्वारंटाइन का 28 दिन का पीरियड पूरा कर चुके हैं तथा 85 लोग अभी भी अपने घरों में क्वारंटाइन पर हैं। कोरोना वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियुक्त किए गए निगरानी अधिकारी MOH डॉक्टर परविंदर सिंह ने बताया कि एक युवक को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है तथा उसका सैंपल लेकर टेस्ट के लिए IGMC भेजा गया है। कोरोना वायरस के जो सस्पेक्टेड पेशेंट थे अभी तक बिलासपुर में, वो 3 थे पहले जिनके हमने सैंपल लिए थे और IGMC शिमला भेजे, वो तीनों के तीनों नेगेटिव आए। तो अब वो घर में रह रहे हैं, जब तक उनके 28 दिन पूरे नहीं होते तब तक वो अपने ही घर में रहेंगे और बाहर नहीं जाएंगे। और आज एक चौथा केस आया है, जो जिनको प्रॉब्लम थी फीवर की, वो फॉरेन हिस्ट्री थी उनकी ट्रैवल की, तो वो फीवर की हिस्ट्री होने की वजह से उनका भी सैंपल लिया गया है और उसको IGMC शिमला भेज दिया गया है। होपफुली कल शाम तक उनकी रिपोर्ट आ जाएगी, तो उसका रिजल्ट भी हमें कल ही पता चल पाएगा। इसके अलावा टोटल हमने तकरीबन 100 लोग थे जो फॉरेन कंट्री से बिलासपुर के थे, जो बिलासपुर में आए थे, उनको हमने होम क्वारंटाइन के लिए बोला था। मतलब उन लोगों को ये सलाह दी गई थी कि आप 28 दिन तक अपने घरों में रहें और अपने घर में भी अपने कमरे में रहें, बाकी परिवार वाले मेम्बरों के साथ थोड़ी दूरी बना के रखें। तो वो 28 दिनों के पीरियड तक ऐसे ही रहेंगे, पर इनमें से 14 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना 28 दिन का पीरियड पूरा कर लिया है। तो बाकी पेशेंट तो क्या है, बाकी ट्रैवलर हैं जो फॉरन से आए हैं, वो अभी होम क्वारंटाइन है। सर, जनता से और भी कुछ अपील करना चाहते हैं अगर आप? अपील आजकल तो जैसे आप जानते हैं कि लॉकडाउन है, पर फिर भी लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर ना निकले, और ख़ास करके ये जो होम क्वारंटाइन वाले पेशेंट हैं या लोग हैं, इनके लिए यही है कि आप कृपया अपने घरों में रहें और अपने ही कमरे में रहें, दूसरे लोगों से दूरी बना के रखें, जिससे भी बात करनी है कम से कम 1 मीटर का फासला रखें, अपने मुंह पे मास्क लगा के रखें और लगातार बार बार हाथ धोते रहें।